नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HFF न्यूज में। मेरा नाम है काशाक्षी। दोस्तों, हॉर्न ना बजाने को लेकर कई अभियान चलाए जाते हैं मगर उनका कोई असर तो दिखता नहीं है। अमूमन सिग्नल पर खड़े लोग उसके खुलने तक हॉर्न बजा बजा कर एक दूसरे को परेशान कर देते हैं। कोई तो अलग अलग तरह की धुन भी निकालना शुरू कर देते हैं, खूब नॉइज पॉल्यूशन करते हैं। यही देखकर मुंबई पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है। मुंबई पुलिस ने अब 5 ट्रैफिक सिग्नलों पर डेसिबल मीटर लगा दिए हैं और इसे ट्रैफिक सिग्नल से जोड़ दिया है। ये सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि जैसे ही डेसिबल मीटर 85 डेसिबल के पार जाएगा, सिग्नल का टाइमर खुद ब खुद रिसेट हो जाएगा। इस तरह आप जितना ज्यादा हॉर्न बजाएंगे उतना ज्यादा आपको इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रयोग का एक वीडियो मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर जारी किया है जिसे खूब पसंद भी किया जा रहा है। ट्वीट को अब तक 15,000 रिट्वीट और 40,000 लाइक मिल चुके हैं। और तो और, मुंबई पुलिस का यह आइडिया बेंगलुरु सिटी पुलिस के कमिश्नर भास्कर राव को भी काफी पसंद आया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, डेसिबल मीटर लगाने का यह आइडिया बेहद अच्छा है, हम भी इसे लागू करेंगे। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक DCP मधुकर पांडे ने कहा, नवंबर और दिसंबर में कुछ घंटों के लिए हमने इसका ट्रायल लिया था। CST, मरीन ड्राइव, पेदर रोड, हिंद माता और बांद्रा टर्न रोड पर इन डेसिबल मीटर को लगाया गया था। उन्होंने माना कि ऐसा करने से दूसरी सड़कों पर दबाव बढ़ा मगर उसे एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर मैनेज कर लिया गया। हालांकि दोस्तों, ट्रैफिक एक्सपर्ट हुसैन इंदौर वाला ने इस प्रयोग को लेकर शंका भी जताई है। उन्होंने कहा, यह बेहद मुश्किल है कि यह प्रयोग लोगों की आदतें बदल पाए। ड्राइवर जल्द ही समझ जाएंगे कि उन्हें हॉर्न कहां बजाना है और कहां नहीं बजाना है। उन्होंने कहा, मुंबई पुलिस लक्षण का इलाज कर रही है, ना कि बीमारी का। भारत की सड़कों पर कार चलाना बहुत तनाव भरा काम है जो लोगों को ऐसा बर्ताव करने के लिए मजबूर कर देता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाकर ही इस परेशानी को कम किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, इस कंसेप्ट को लेकर कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से सबको इंतजार क्यों करवाया जाए। मतलब जरूरी ये तो नहीं कि ट्रैफिक में खड़े सभी लोग हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन सिग्नल रिसेट होने पर उनको भी तो इंतजार करना होगा। फिलहाल आपके शहर में क्या इस आइडिया को लागू करना चाहिए या सरकार को कुछ और प्लान करना होगा, या लोगों को ही अपनी आदत बदलनी होगी, समझना होगा राष्ट्रवाद का असली मतलब, या फिर जनसंख्या ही बड़ी समस्या है जिसकी वजह से दूसरी परेशानियां हो रही हैं। खैर, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं क्या है आपका सुझाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल HFF न्यूज़ जो जल्द बनने जा रहा है, DHFF अड्डा, उसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।